हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माही कुकिंग क्रिएशन में। मैं महिमा। आज मैं बनाऊंगी सूजी के अप्पे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसमें ढेर सारी सब्जियां डाल के इसे हेल्दी भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कटोरी सूजी लेना है। सूजी आप बारीक वाली लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोटी वाली अगर सूजी आपके पास है तो आप इसे मिक्सी जार में डाल के एक बार चला सकते हैं, और फिर उसमें 1 कटोरी दही और 1 कटोरी पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना रह जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको फर्मेंट होने के लिए आधे घंटे तक रखना है। तब तक मैं इसके साथ खाने वाला चटनी बना लेती हूँ। मैं मूंगफली का चटनी बना रही हूँ, आप कोई और भी चटनी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मूँगफली को भून लूँगी और उसका छिलका ठंडा होने पर उतार लूँगी, और फिर इसमें डालने के लिए मैं 5 हरी मिर्च और 4 लहसुन और हरा धनिया ले ली हूँ, और फिर एक मिक्सी जार में मैं ये मूंगफली डालूँगी और फिर इसमें लहसुन, हरे मिर्च, हरा धनिया डाल दूँगी, और फिर अब इसमें जाएगा नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको चला लें। ये देखिए फ्रेंड्स, अप्पे को और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें कुछ सब्जियाँ डालूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, आधे घंटे के अंदर सूजी पानी सोख लिया था, तो मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल के इसको अच्छे से चला लूँगी। और अब मैं इसमें मिलाऊँगी सारी सब्जियाँ, जैसे बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर और कुछ हरी मिर्च। सब्जियाँ आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं, आपको जितना भी पसंद। और फिर मैं इसमें मिलाऊँगी नमक, लाल मिर्च और जीरा पाउडर, और फिर इस बैटर में तड़का लगाने के लिए मैं इसमें डालूंगी तेल और सरसों। जब सरसों चटकने लगे तो फिर इसमें कड़ी पत्ता डाल देना है और फिर इसे इस बैटर में मिला देना है। इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपको अप्पे इंस्टेंट बनाना है तो आप इसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। मैं इसमें बेकिंग सोडा ही यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास टाइम है तो आप सूजी और दही को ही फेंट के 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे, तो आपको बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले अप्पे पैन को हम गरम करेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद इस बैटर को इसमें हम डालेंगे, 1-1 चम्मच बैटर 1-1 में डालेंगे। बैटर को बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये मोल्ड के बाहर आ जाएगा, इसलिए 1 चम्मच ही डालें। फिर इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए ढक के पकाना है, फ्लेम लो होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अप्पे कितने फूले फूले से दिख रहे हैं। अब हम इन सारे अप्पे को पलट लेंगे और फिर से अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अप्पे बनके बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे चटनी के साथ। वीडियो पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।